हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिश्री ड्रीम वर्ल्ड। और मैं हूँ मिश्री। सो बिना देर किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला क्लींजिंग के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे पिम्पल्स हो, एक्ने हो, कील मुहासे हो, ब्लैक हेड्स हो, वाइट हेड्स हो, झाइयाँ हो, रिंकल्स हो, कोई भी प्रॉब्लम को जब आप ट्रीट करते हो तो सबसे पहले स्टेप जो होता है क्लींजिंग। जैसे कि आप डेली अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए वॉश लेते हो, वैसे ही फेस को क्लीन करने के लिए आप फेस वॉश यूज़ करते हो या फिर सोप यूज़ करते हो। तो कुछ ऐसी सोप होती है जो हार्श होती हैं, जिनमें हार्श केमिकल्स होते हैं, और बट डव और फेयर्स जैसी सोप आप अपने फेस पे यूज़ कर सकते हो। और कुछ मतलब फेस वॉश, कुछ लोग फेस वॉश यूज़ करते हैं। तो मैं एक जो सोप यूज़ कर रही हूँ अभी, मैंने सोचा पहले मैं इसको यूज़ करके देख लेती हूँ, क्योंकि मैं जब भी कोई प्रोडक्ट आपको आपके साथ शेयर करती हूँ तो मैं पहले खुद पर ट्राई करती हूँ कि वो प्रोडक्ट सही है या नहीं, या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो हैं या नहीं। तो मैंने इस सोप को यूज़ किया। इस सोप का नाम है फेशिया फेशियल बार, और इसको मैं करेंटली 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, और इसके रिज़ल्ट अमेजिंग है गाइस। सो जैसा कि इसमें लिखा है, अब हर दिन स्पा फेशियल, आप मतलब एवरीडे फेशियल के लिए इसमें क्लेम किया है, इसमें लिखा हुआ है। इसका नाम है फेशिया फेशियल बार विद केसर एंड चंदन, और ये आती है 25 ग्राम की क्वांटिटी, 40 रुपीज़ की ओनली। तो आराम से आपकी, अगर आप दिन में 2 बार यूज़ करते हैं इस सोप को, तो आराम से 1 से 1.5 महीने आपकी चल जाएगी। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं सैफ्रन, सैंडल, एलोवेरा, कैम्फर, और जो मैं यहाँ पे बता दूँ, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे 150 mg, कैम्फर है 80 mg। कैम्फर, इसमें कैम्फर है जो कि आपकी स्किन को पिंपल फ्री बनाता है, क्योंकि कैम्फर में पाई जाती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो कि आपकी स्किन को पिंपल फ्री बनाने में हेल्प करती हैं। और है इसमें चंदन एंड केसर जो कि आपकी स्किन से डर्ट को रिमूव करने, एक्सेस ऑयल और ग्राइम को रिमूव करता है, और एलोवेरा आपकी स्किन को टाइट बनाता है, और आपके स्किन में रिंकल्स आने को रोकता है, रिंकल्स को दूर करता है। और स्पा इंग्रेडिएंट्स लाइक केसर एंड चंदन आपकी स्किन को यंग बनाने, आपकी जो डल स्किन हो चुकी है उसको ब्राइट बनाने में हेल्प करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को सुधारने में हेल्प करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को बूस्ट करता है। और है इसमें चंदन आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, ब्लेमिशेस को आपकी स्किन से दूर करता है, ब्लेमिशेस को हील करने में हेल्प करता है, और आपके माइंड को भी फ्री करता है। तो चलिए बातें बहुत हो गई, ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी, मुझे बहुत ही पसंद आई, बहुत क्यूट सी पैकेजिंग है। सो ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है अंदर से बाहर से, और ये अंदर से है इस तरीके से। इसके ऊपर ये जेल टाइप की जो क्रीम रहती है ना, जैसे आपके पेयर्स की बार आती है, पेयर्स बार, उसी टाइप की ये बार है। और इसके ऊपर पॉलिथीन रैप है, और इसमें फेशिया फेशिया लिखा हुआ है, और इसके साथ एक टब आता है जो जब आप इस सोप को यूज़ करोगे और उसके बाद आप इसमें रख सकते हो, जिससे एक्सेस जो वाटर है वो ड्रेन हो जाएगा। तो कितनी क्यूट, मतलब आपका जो सोप है वो हाइजीन रहेगी और जल्दी से हाइजीन फ्रेंडली रहेगी, और जल्दी से ये मतलब फिनिश नहीं होगी, मेल्ट नहीं होगी वाटर के साथ मिलके। तो बहुत ही अच्छी क्यूट सी पैकेजिंग है ना, कितना क्यूट सा है ये टब है, बहुत स्मॉल सा क्यूट सा है, जो किसी भी सोप में नहीं आता बट इसमें आता है। इसमें ड्रेन होने के लिए, वाटर ड्रेन होने के लिए 2 होल दिए गए हैं। और तो चलिए इसको स्टार्ट यूज़ करके दिखाते हैं। सो मैंने अपने फेस को वेट कर लिया है, और ये सोप है, देख सकते हो आप कितनी क्यूट सी जेल टाइप की सोप है। सो मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो आपको पहले झाग क्रिएट कर लेना है, आप अपनी डायरेक्टली स्किन पे भी लगा के झाग क्रिएट कर सकते हो। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है गाइस, इसमें आपको जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ हुए हैं उनकी फ्रेग्रेंस आएगी। सो यू कैन सी झाग क्रिएट हो चुका है फोम, और इसको सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे अप्लाई करना होता है। कोई भी आप जब भी अपना फेस यूज़ करते हो तो ये बात याद रखें कि आपको सर्कुलर मोशन में अपने फेस को वॉश करना होता है।
सो यू कैन सी कुछ इस तरीके से आपको अपने फेस को वॉश करना होता है। मैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर रही हूँ और देख सकते हो आप इतनी, मैंने थोड़ा सा बस यूज़ किया था और कितना सारा फोम क्रिएट हो चुका है। फर्स्ट यूज़ में ही आपको अपने स्किन पे रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसको आपको 1 से 2 मिनट तक करना है अपने फेस को वॉश, देन आप टैप वाटर से फिर अपने फेस को वॉश कर लीजिए। और तो मैंने यहाँ पे अपने फेस को वॉश कर लिया है। अब मैं यहाँ पे पैड ड्राई कर रही हूँ। एक और बात गाइस, जब आप अपने स्किन को पोंछते हैं तो आप अपनी फेस के लिए और बॉडी के लिए अलग अलग टॉवल यूज़ किया कीजिए, और फेस के लिए बहुत ही सॉफ्ट वाली। और जैसे मैं यहाँ पे आपको पैड ड्राई करके दिखा रही हूँ, आपको वैसे ही अपने स्किन को पोंछना होता है, रगड़ना नहीं होता कि ऐसे ऐसे रगड़ लिए, उससे आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने पैड ड्राई कर लिया। सो देख सकते हो आप कितनी क्यूट पैकेजिंग है यार इसकी, मुझे बहुत पसंद आई। आप यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली, ट्रस्ट मी गाइस, मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। मुझे यहाँ पे पिंपल्स हो चुके थे तो वो पिंपल्स भी इससे चले गए, और जो पिंपल्स के निशान है वो भी धीरे धीरे लाइट होते जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सोप है और आप यूज़ कर सकते हो। और 40 रुपीज़ में आपको 25 ग्राम क्वांटिटी मिल जाती है, जो कि आराम से 1.5 से 2 महीने चल जाती है। और क्या चाहिए इतने 40 रुपीज़ में ओनली। और जब भी आप कोई फेस वॉश लेते हो और इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हो उसमें, सो जल्दी जल्दी जाओ और ख़रीद के लेके आओ। तो ये कोई भी लोकल शॉप है आपको मिल जाएगी। सो चलिए आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और मैं इस वीडियो में मैंने सोचा पहले क्लींजिंग, मैं सीरियस लेके आ रही हूँ, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, फिर डेली स्किन केयर, वीकली स्किन केयर, मैं इस टाइप की एक सीरीज़ बनाई थी, ये सीरीज़ का पार्ट 1 है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है बट इम्पॉर्टेंट था तो बताना ज़रूरी है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।